कितनी ही साफ सफाई क्यों ना कर ले, घर के कुछ कोने ऐसे हैं जो बच ही जाते हैं। चलिए इन बचे कुचे कोनों को भी अच्छे से हम साफ करेंगे और दिवाली में बचे हुए दियों का बहुत अच्छा सा यूज करके मैं आपको बताऊंगी। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। पहला ये सोल टेप मेरा इस तरह की खिड़की से जुड़ा हुआ है। देखिये हर घर में आज के टाइम में आपको ये स्लाइडर वाली खिड़की मिल जाएगी। अब इसे यूज करने का एक नुकसान भी है, ये देखिए ये ऊपर छत की तरफ लगी हुई थी तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं गया और देखिए कितनी सारी डस्ट ना यहाँ इकट्ठा हो गई है। अब इसे क्लीन कैसे करें? इस तरह का बर्तन स्पॉन्ज आपके पास है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो स्पॉन्ज है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप रख के देखिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो मार्कर की हेल्प से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे तीन निशान बन रही है, तीन लाइंस है, कुछ खिड़कियों में ज्यादा भी हो सकती है। तो ब्लेड लेनी है आपने और यहाँ पर निशान बनाने हैं। ये तीन जगह है तो मैं तीन जगह निशान बनाऊंगी। तो आपने ब्लेड लेना है या कटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज कीजिएगा और इस तरीके से लंबे लंबे इस पे निशान बनाइएगा। अब ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसके अंदर बिठा देना है। अगर हल्की फुल्की डस्ट है तब तो ये ऐसे ही नॉर्मल वाइप करने पे निकल जाएगी, पर अगर बहुत ज्यादा डस्ट है तो आपको कुछ स्पेशल हैक अपनाने ही पड़ेंगे। अब देखिए इसको मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बारीक डिजाइन होती है जहां हमारे फिंगर्स वगैरह नहीं जा सकते। ब्रश वगैरह से भी अगर हम क्लीन करते हैं तो साइड कॉर्नर में गंदगी इकट्ठा रह जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्लाइडर में काफी सारा गंदगी है तो इसे निकालने के लिए कुछ स्पेशल टिप भी हमें अपनाना होगा। तो मैंने एक पानी का मग्गा लिया है, उसके अंदर एक शैम्पू का सेशे ऐड कर दिया है। आप यहाँ चाहे तो हैंड वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार में जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना आप ले लीजिएगा या एक चम्मच के हिसाब से आप मेजरमेंट ले लीजिएगा क्योंकि काफी सारा यहाँ पर डस्ट भी है, बैक्टीरिया भी है, तो सब कुछ हमें क्लीन करके आपको दिखाना है। तो ये जो स्पॉन्ज है ये हमने इसमें डिप करना है और ध्यान दीजिएगा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, स्क्वीज आउट आपने करना है, पूरी तरीके से निचोड़ देना है। बस ये थोड़ा सा गीला रहना चाहिए ताकि जो डस्ट है वो उठाने में आसानी हो। नॉर्मल भी क्लीन कर सकते हैं अगर जैसा मैंने कहा आपको हल्का फुल्का डस्ट लगी है, और अगर इस तरीके से काफी ज्यादा गंदा है तो आप थोड़ा सा ना इसे पानी में डिप कीजिए, अच्छे से इसका पानी निथार लीजिएगा और बस आपने घुमाने की देर लगानी है। ये देखिए कितना डस्ट निकल के बाहर आ रही है, मैं आराम से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे कट करना जरूरी है। ये देखिए अच्छे से बैठ गया है इसके ऊपर, बस आपने हाथ घुमाना है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट ही आपको लगेगा और आपकी जितनी भी बड़ी खिड़की साइज में क्यों ना हो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए बस आपने इस तरीके से घुमाना है। अब मैं आपको स्पंज दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सारा गंदगी निकल के आया है, इसे फिर से क्लीन कर लीजिएगा और आपकी जो खिड़की है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अगर आप इस तरह का स्पंज नहीं यूज करते हैं, आपके पास नहीं है, तो ये वाला नॉर्मल आपके पास जरूर होगा, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए अब पूरी खिड़की मैं आपको क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अंदर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि हाँ भाई क्लीनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि दिखाया कुछ और है हुआ कुछ और है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर की जितनी गंदगी है वो सारी की सारी बाहर आ गई है। सिंपल सा छोटा सा हैक है, इसे इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान करें। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक है, यहाँ ग्रेटर से जुड़ा हुआ, ये आपके घर में जरूर होगा। लॉन्ग टाइम हम इसका यूज करते हैं तो इसकी भी धार गिर जाती है, फिर हमें इसे बदलना होता है। पर अभी आपके पास ना दिए जरूर होंगे, दिवाली के दिए आपने भी रखे ही होंगे, इन दिए का आपने इस्तेमाल करना है और ग्रेटर पे कुछ इस तरीके से चला देना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए दो तीन बार में आपको ग्रेटर पे दिया चलाने में दिक्कत होगी, पर आप चार पांच बार जब इसे करोगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। और ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने घिसा है और मैं इसको टच करके आपको दिखा देती हूँ, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं थी, पर हाँ इसे टच किया वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई इस पे ज्यादा हाथ नहीं घुमाना चाहिए, हाथ कट भी सकता है। जो ग्रेटर काम नहीं कर रहा था वो एक दिए से बिल्कुल नए जैसा हो गया है और काफी तिखी तेज धार है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दूसरी, यहाँ पर जो हमने ग्रेटर से निकाला हुआ चूरन था, ये जो पाउडर दिए का बना था, इसे फेंकना नहीं है। अगर आप इस तरीके से बना पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भाटे वगैरह पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करके नबारिक पाउडर भी बना सकते हैं। उसके बाद में लेना है आपने नमक, ये देखिए जितनी क्वांटिटी में ये जो पाउडर बनेगा उतनी ही क्वांटिटी में आपने नमक लेना है। अब ये एक सॉल्यूशन बनके रेडी हो चुका है आपके पीतल कासा के बर्तनों को साफ करने के लिए। ये मंदिर का लोटा है, हालत आप देख सकते हैं, डेली इस्तेमाल होता है, पानी के कांटेक्ट में आते ही ये कुछ इस तरीके से कलर बदल देता है। तो इस तरीके से हमारे मंदिर के बर्तन होते हैं, अब इन्हें हमें डेली ही क्लीन करना होता है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें इसे डीप क्लीन करना ही होता है। तो ये सॉल्यूशन बेस्ट है जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी मत ले लीजिएगा नहीं तो ये सॉल्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा। मैं कोई स्क्रबर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ और चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, बस दिए का ये जो पाउडर है और नॉर्मल नमक, ये सॉल्यूशन आपने बनाना है और बस आपके ये जो पीतल के बर्तन है इनको क्लीन करना है। बहुत सारे
घरों में ऐसा है कि कोई केमिकल या कोई सॉल्यूशन मंदिर के बर्तनों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो पुराने जमाने से तरीके अपनाए जाते हैं उसी से आज भी मंदिरों के बर्तन क्लीन किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं यूज किया जाता है आपके मंदिर में, आप कोई केमिकल पीताम्बरी या कुछ और नींबू वगैरह है, वेनेगर है, वो सब चीजें इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हो, तो यहाँ पर आप ये दिए के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक ऑप्शनल है, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो करें, नहीं तो आप यहाँ नमक को भी हटा सकते हो। नॉर्मली जो दिए का पाउडर है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। मैंने नमक का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि यहाँ पे अच्छे से स्क्रबिंग हो और कम टाइम लगे। अगर आपके यहाँ नहीं नमक का इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसको भी हटा सकते हो, बस हल्के हाथों से अपने मालिश जैसे करना है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से चमक जाता है। दिए का जो पाउडर था वो कम ही था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आपको साफ करके दिखाया है और आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर बहुत आसान सा ये हैक है, तो इस दिवाली जो बचे हुए दिए हैं वो आपने नहीं फेंकना है, संभाल के रखिए। अगर किसी चीज में नहीं भी इस्तेमाल आते हैं तो आपकी जो मंदिर के बर्तन है ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। यहाँ मैं पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने जैसे ही पानी डाला, आपने देखा ये डायरेक्ट मिट्टी से कांटेक्ट में आया और जो जिस जगह पे भी ये टकराया वहां की जमीन या मिट्टी वहां से हिल गई है डायरेक्ट। इसी तरीके से अगर हम प्लांट को पानी देते रहे तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जड़ पूरी तरीके से सूख जाएगी, आपका प्लांट मर जाएगा। तो आप इन दियों का इस्तेमाल करें, गमले में इस तरीके से रख दीजिएगा और आपने दिए के ऊपर पानी डालना है, ना कि गमले की मिट्टी के ऊपर पानी डालना है। आप बार बार डाल के देखिएगा, आपको खुद ना कभी कभी ये अपने देखा भी होगा कि हमारे कुछ गमले अपने आप ही सूख जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें घुलने लग जाती है। हम इतना उनमें पानी डाल देते हैं वो पानी और मिट्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है और आपका जो प्लांट है वो सूख जाता है। तो ये जो बेकार पड़े दिए हैं आप इनका इस्तेमाल गमले में भी कर सकते हैं, बस आपने रखना ही है। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी आप देखोगे कि जो प्लांट है वो भी सूखने लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर दिए भी छोड़ दोगे ना तो आपका जो प्लांट है उसको डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी उसकी जमीन मिट्टी में और आपका जो प्लांट है वो भी सेफ रहेगा। सिंपल से हैक है, इन्हें अपनी लाइफ में यूज कीजिएगा। देखिए, हम कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं तो आप इन कुल्हड़ वाले कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह के जो दिए हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियोस में जितने भी मैंने टिप बताए हैं ज्यादातर सारे दिए से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कुल्हड़ भी अगर आपके हाथ लगते हैं तो कभी मत फेंकिए, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पीतल के बर्तन को चमकाने के लिए। आपने भी दिए इस तरीके से पॉलिथीन में संभाल के रख लिए हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से मत यूज कीजिएगा। नहीं तो ये जो दिए है नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा बैड स्मेल आएगी कि आप सोचोगे कि चलिए इस दिए को तो फेंक ही दे। आपने क्या करना है, ये जितने भी दिए की बाती है इन्हें भी मत फेंकिए क्योंकि हमने ना हर चीज पर पैसा लगाया और हम गृहिणी ना एक एक रुपया बचाना अच्छे से जानती है। तो जितनी बाती है वो इकट्ठा कर लीजिएगा। अब इसका यूज कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, कोई ना कोई दिया ऐसा जरूर रह जाता है जिसमें तेल बच जाता है। अब वो तेल ना तो हम किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही वो हमारे काम आता है। तो जो दिए में बचा हुआ तेल है उसमें सारी बातियां कुछ इस तरीके से रख दीजिएगा। शाम के टाइम या जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है वहां पर आप इसे जला दीजिएगा, रोशनी भी होगी और ये जो बेकार बाती है इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो बचा हुआ तेल है वो फेंकने में नहीं आएगा। ये हर घर में होता है कि कोई कोई दिया ऐसा बच ही जाता है जो पूरा नहीं जलता है, उसमें थोड़ा बहुत तेल बच जाता है और बातें भी काफी सारी बच जाती है। तो इस तरीके से जलाइएगा, सिंपल सा हैक है, आपकी बाती का भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो तेल बचा हुआ रहता है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसे अपनी लाइफ में जरूर अपना है, बचे हुए तेल को कभी भी गलती से ना फेंके। चलिए बात कर लेते हैं अगले यूजफुल हैक की। ये जो बचे हुए दिए हैं, जैसे मैंने कहा आपको ऐसे नहीं रखना है, ये खराब हो जाते हैं, आपने लेना है बोतल। ये बोतल पानी की है और इस तरफ आप देख सकते हो ये एक बर्तन लिक्विड की है। जो भी बोतल आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना है, बीच में से आपने कट लगाना है और इस तरीके से थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपने बोतल को कुछ इस तरीके से खोलना है और इसके अंदर ना ये दिए रख देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा सावधानी से आप बिठाएंगे ना तो ये दिए बहुत आसानी से इसके अंदर बैठ जाएंगे। अब इसे साल भर बाद भी आप खोल के देखिए, आपके दिए बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप इसे मार्केट से लेकर आए थे। सिंपल सा है कि अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने काम को आसान करिए। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, देखने के लिए धन्यवाद।